यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा पहले ही आगाह किया गया था कि वो रेलवे के ट्रैक को जाम करेंगे। गनीमत ये रही कि वो गाड़ी नहीं आ रही थी, पुलिस की भी रह गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी रह गई। थोड़ी देर ट्रैक जाम करके वो लोग वापस चले गए और पुलिस ने भी राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और गोलीकांड के विरोध में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुंडू ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। हालांकि जिस समय ट्रैक जाम किया गया उस वक्त कोई रेलगाड़ी आने का समय नहीं था। भारी पुलिस बल के होते हुए भी कुंडू लगभग 2 मिनट तक रेलवे ट्रैक पर जमे रहे। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुंडू अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर मंदसौर में किसानों पर हुए गोलीबारी और लाठीचार्ज के विरोध में पानीपत रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। जाम की सूचना से पहले ही रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने जितेंद्र कुंडू और उनके साथियों को स्टेशन के अंदर आने से साफ मना कर दिया। जब वो नहीं माने तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रैक जाम करने की छूट दे दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुंडू ने कहा कि भाजपा की सरकार को बने 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में देश का किसान और मध्यम वर्ग के लोग दुखी हैं और मंदसौर में जो किसानों पर गोलीबारी और लाठीचार्ज हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा दिखाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता से आने से पहले जो वादे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जितेंद्र कुंडू के साथ अनिल मलिक अध्यक्ष युवा कांग्रेस हल्का इसराना और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। एक मिनट के लिए आगे सिर्फ बस यहाँ कर लो एक मिनट। भाजपा सरकार किसानों के प्यारी सरकार देखिए जो बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो 6 किसानों की हत्या की गई है, जो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले 1-1.5 महीने से उनका प्रदर्शन चल रहा था, कभी भी हिंसक नहीं हुआ था और उनके साथ यह व्यवहार किया गया कि उन पर गोली चलाई गई। और कश्मीर में जहां पैलेट गन पैरों पर मारने के आदेश और किसानों की सीधा छाती में गोली मारी गई, ये बेहद शर्म की बात है। भाजपा सरकार हमेशा किसान को दबाने का काम करती है, जो देश का अन्न दाता है आज वो गोली खा रहा है और जो हमारा जवान है वो बॉर्डर पर गोली खा रहा है, तो ये बेहद शर्मनाक है। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया, ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, तो ये आज हमारा है। संख्या कम लग रही है, देखिए आज बारिश के कारण यूथ के साथी बहुत साइड भी खड़े हैं, पुलिस ने आने नहीं दिए। घमाल का भी आज प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना जिले वो ब्लॉक वाइज प्रोग्राम कर रखे हैं आज हमने, और बारिश के कारण भी थोड़ा सा ये हो रखा है।